अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो मेरी रिव्यू वीडियो है अबाउट दिस सनस्क्रीन, सन ब्लॉक है बेसिकली। और ये मैंने ट्राई करने के लिए लिया था क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव था, इतना एक्सपेंसिव नहीं था। यूजुअली सन ब्लॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें SPF 90 प्लस है जो कि बड़ा कम अवेलेबल होता है, और यूजुअली जो है 40, 30, 40, 50, 60 से अबव जो भी सन ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये आई गेस सिर्फ 395 रुपीज़ का है और इसकी बॉटल भी काफ़ी बड़ी है। इसके पीछे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है, और मतलब मोस्टली लोग जो सन ब्लॉक यूज़र्स हैं उनको तो पता ही है कि सन ब्लॉक कितना स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जितनी भी पिगमेंटेशन और प्रॉब्लम्स स्किन की डेवलप होती हैं विद एज वो ड्यू टू एक्सट्रीम सन एक्सपोजर ही होती हैं। तो जो लोग डेली के तौर पे बाहर निकलते हैं या डेली सन एक्सपोजर जिन लोगों का होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि एक ऐसा इंसान जो कि सन ब्लॉक नहीं यूज़ करता था उसकी स्किन और एक ऐसा जो सन ब्लॉक यूज़ करता था तो काफ़ी डिफरेंस होता है, स्पेशली अगर आपका एक्सपोजर है। तो ये जो सन ब्लॉक है ये क्लेम करता है कि ये 90 प्लस SPF है। अच्छा, 90 जो SPF के नंबर्स होते हैं ना उसके सिर्फ ये होता है कि आपको कुछ टाइम बाद रीअप्लाई करना पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो जितना ज़्यादा SPF होता है वो उतना ज़्यादा टाइम आपको, उतने ज़्यादा टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आजकल तो आपको पता है कि सन रेज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है और बिल्कुल ही आपकी स्किन को वो डैमेज कर देती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको टेक्सचर इसका दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी क्रीमी उस तरह से नहीं है जो बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता कि स्किन के ऊपर कुछ लगा हुआ है। ये देखें, मैंने इसको अब रब किया तो बिल्कुल मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और बिल्कुल फिर कुछ लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। कोई भी फील नहीं होता कि कोई चीज़ आपकी स्किन के ऊपर लगी हुई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है।